अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना यह है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दोज कंपाउंड जिसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, दोज कंपाउंड्स विच आर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जो मुश्तमिल हो हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन याद रखिएगा, ऐसे कंपाउंड कहते हैं जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हो, कौन से? हाइड्रोजन और कार्बन, सही है। इसके आगे आपने ब्रैकेट डाल के इसका मतलब लिखना है, कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको नाम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन का, एंड देयर डेरिवेटिव और इनके माखिज, एंड देयर डेरिवेटिव और इनके माखिज, इन विच, जिसमें क्या होता है जी, इन विच, जिसमें कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है ना, इज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, अच्छा इसेंशियल कहते हैं जरूरी को, इसेंशियल का लफ्ज मतलब जरूरी, और कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं जुज को, इज्जा कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और इसके डेरिवेटिव हो और इसमें कार्बन एटम का लाजमी होना चाहिए, सही है। तो मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो काफ़ी सारे एग्जांपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर मैं दूं, यहाँ पे मीथेन CH4 इस कंपाउंड का नाम है, क्या नाम है? CH4 मीथेन कहते हैं। इसके बाद C2H6, इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी की सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अच्छा अब ना सबसे जो मेन बात होती है स्टूडेंट के लिए वो ये है कि आप किस तरह पहचान कर पाते हैं कि कोई चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने फार्मूला लिखा हो, अब देख के बता दो ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है और ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा ज़रा, मैंने कुछ फार्मूला लिखने लगा हूँ, HCHO इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, CH3COOH इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड, NH3 अमोनिया, H2O, इसके अलावा हमारे पास CCl4, CH4, C6H5COOH बेंजोइक एसिड कहते हैं इसको। ये चंद कंपाउंड, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इस चीज़ को समझने से पहले ना हम दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। पहले नंबर पे आपको वर्ड हाइड्रोकार्बन का मतलब बताओ। हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें दो ही एलिमेंट हो, कौन से? कार्बन, और इसके साथ कौन सी चीज़ हो? हाइड्रोजन। ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये वाला कंपाउंड क्या है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन है। कैसे हाइड्रोकार्बन है? ज़रा गौर करोगे ना यहाँ पे तो आपको पता चलेगा इसमें हाइड्रोजन है और क्या है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, ये भी हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन हो गया ना, और साथ में क्या है हमारे पास? कार्बन। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोकार्बन। और इसके आगे मैंने लफ्ज़ लिखा है एंड देयर डेरिवेटिव्स और इसके माखिज़। डेरिवेटिव ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ से बनी हो, मतलब अगर मैं दूध के डेरिवेटिव की बात करूँ, दूध के डेरिवेटिव काफ़ी सारे हो सकते हैं। पनीर दूध से बनती है, लस्सी दूध से बनती है, चाय दूध से बनती है। अब बेसिकली दूध हमारे पास एक कंपाउंड है जो यही समझो हाइड्रोकार्बन है, और उससे जो भी चीज़ें आगे बन रही हैं वो क्या है? उसके डेरिवेटिव है, मतलब हाइड्रोकार्बन से ही आगे डेरिवेटिव बनेंगे। आपने दो यूनिट पढ़े होंगे, एक होता है जी हमारे पास बेस यूनिट, एक होता है डिराइव यूनिट 9th क्लास में। अब देखो आप कहते हैं जी मीटर पर सेकेंड जो है ना ये डिराइव यूनिट है, कहाँ से डिराइव है? बेस से। मीटर आपको पता है लेंथ का यूनिट है, जो कि आपको पता है ये इसका ऐसा यूनिट है या फिर बेस यूनिट है, और सेकंड टाइम का है, सही है।
दो बेस यूनिट मिला के हमने ड्राइव यूनिट बना दिया, मतलब बेस यूनिट से ड्राइव यूनिट जिस तरह बनते हैं सेम इसी तरह हमारे पास हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोकार्बन से ही बनेंगे। अब ये बनते किस तरह, देखो आप यहां से हाइड्रोजन हटाओ, इसकी जगह कोई और एलिमेंट लगा दो, क्लोरीन लगा दिया, क्या किया मैंने, हाइड्रोजन की जगह पे कोई और एलिमेंट जब लगा दोगे तो वो जो चीज हमारे पास बन रही होती है वो हमारे पास कहलाता है डेरिवेटिव, क्या कहलाता है डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन का ये, अब इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते, तो आप दूध से दही बना लेते हो आप उसको दूध नहीं कह सकते, वो दही है, वो एक अलग चीज बन गई है। सेम इसी तरह हमारे पास जब हाइड्रोकार्बन यहाँ से हटके यहाँ पे आप क्लोरीन लगा दोगे तो वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव, सही है। अच्छा अब ना जरा गौर कीजिएगा, सबसे जो मेन पहचान होती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो ये है कि उसमें कार्बन एटम लाजमी होगा। पहले नंबर पर देखो मैंने लिखा जी कार्बन एटम इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, कार्बन एटम उसमें लाजमी होगा, ये सबसे बड़ी पहचान है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देख के बता सकते हो, उम्मीद है आपने सिर्फ क्या, आपने ये नहीं चीज़ चेक करी उसमें हाइड्रोजन है या नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सी चीज़ होना ज़रूरी है, कार्बन। ज़रा गौर करो, पहले वाला हमारे पास है कार्बन, ये पड़ा हुआ है, दूसरे वाला भी, तीसरे वाला नहीं है, चौथे वाला भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हालांकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है लेकिन कार्बन है। तो आप कहोगे ये वाला भी कंपाउंड ऑर्गेनिक ही है, और ये वाला भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये वाला भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। ये सबसे आसान तरीकाकार होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान का, कि उसमें चेक करो कि कार्बन है, ठीक है फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ये बात हर बार करेक्ट नहीं होती, ये 95% बात करेक्ट है जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे, मैं नाम लिखवा देता हूँ यहाँ पे, याद रखिए वो नाम याद रखने आपने, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, सही, मैं नोट की फॉर्म में लिखवाऊंगा आपको, सही है। तो आपने इसको लाजमी याद रखना है, कुछ कंपाउंड कौन कौन से हैं जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम, हैव कार्बन एटम, कार्बन एटम बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन एटम तो होता है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन नहीं है, उसमें सबसे पहले जो एग्जांपल है बचा वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद CO2 जिसको आप पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद HCO3, इसे प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ये क्या नाम है इसका, बाई कार्बोनेट आयन, क्या कहते हैं इसको, इसको लाजमी याद रखिए आगे जाके दोबारा फिर पढ़ना है, बाई कार्बोनेट आयन, और इसके बाद लास्ट वाली चीज़ हमारे पास क्या आएगी, CO3-2, इस आयन को कहते हैं कार्बोनेट आयन, क्या नाम देते हैं इसको, कार्बोनेट आयन। अब ये वाले वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन एटम तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, मसलन मैं आपको ये लिख देता हूँ यहाँ पे NaHCO3, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसमें CO3 आ गया और मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि HCO3 इज़ नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ये वाली चीज़ किसी भी जगह पे आपको नज़र आती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, तो ये बात याद रखिएगा, सही है। इसी तरह मैं अगर एक और एग्जांपल देता हूँ Na2CO3, ये भी नहीं है, तो इस तरीके से पूछ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनाया ना तो ये वाला क्वेश्चन है, वो नाम दे देगा कहेगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, सही, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इतना कॉन्सेप्टिव कोई भी नहीं देगा मेरे नज़दीक, सही है इसका। अच्छा इसके हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, तो इसकी रीज़न ये होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ना कुछ खसूसियात होती हैं, मसलन इंसान और जानवर में काफ़ी सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, मसलन मैं अगर भैंस की बात करूँ इंसान की बात करूँ दोनों आँखें दो आँखें हैं, सही है, इसके बाद नाक एक है, हमारा नाक मुँह एक है, हमारा भी मुँह एक है,
सही है, जिस्म पे बाल होते हैं हमारे भी जिस्म पे बाल होते हैं। देखो हाँ, कुछ जगह पे ऐसी है जो कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उन्होंने कहा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होंगे जिनमें ये वाली खसूसियात होंगी। वो खसूसियत कौन कौन सी, वो आगे जाके हमने पढ़नी है। पहली बात ये कहेगी कि उनमें हमेशा बॉन्ड होगा कोवलेंट, वो कैटिनेशन का फिनोमेना शो करते होंगे। सही है, बहुत सारी खसूसियात आगे जाके हमने कुछ 7-8 खसूसियात हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, बेसिकली उनमें कंपाउंड जो होते हैं ना वो कोवलेंट होते हैं, लेकिन ये वाला कंपाउंड वो आयनिक है, ये आयंस के मिलने से बनता है। Na प्लस होता है और HCO3 माइनस होता है, जिसकी वजह से ये वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। भैया सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के जमरे में क्यों नहीं लिए गए। अब इसके बाद ना हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है बच्चे, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाए, खत्म। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल डील विद द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच विल डील विद द स्टडी ऑफ विच डील विद द स्टडी ऑफ विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिस्ट्री की वो शाखा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाए, इसको हम नाम देंगे, इस कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। पहले किस तरह पढ़ी थी मैं बता देता हूँ, 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन यही है ना, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। मतलब अगर आप उसकी जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह वो वाला लफ्ज़ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। सही, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। सही है, तो ये इतना फ़र्क कर सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी, कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगी। सही, अगर कंपाउंड का फार्मूला लिख के दे दिया जाए कि आप बता सकते हो कि ये वाली चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये वाली चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊँ, लास्ट में हमने बड़ी वाइटल फोर्स छोड़ी, उसमें एक कंपाउंड लिखा था NH4CNO। हमने कहा था ये इनऑर्गेनिक है, ये क्या है? इन अमोनियम साइनेट NH4CNO। अब सवाल ये भी बनता है कि ये इनऑर्गेनिक कैसे है। मैंने एक बात बताई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा बॉन्ड जो होगा वो कौन सा होगा? कोवलेंट। इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? देखो अगर इसको तोड़ के लिखते हो ना, NH4 के ऊपर चार्ज होता है प्लस और CNO के ऊपर चार्ज होता है माइनस, ये दोनों आपसे मिले होते हैं। आप कहिए इसके ऊपर प्लस किस तरह का चार्ज है? आपने ये वाली स्ट्रक्चर बनानी सीखी होगी, ये इस तरह की अमोनिया की स्ट्रक्चर है इस तरह की, और ये वाला लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देता है जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। सही है, ये आपने 9th क्लास में बनानी सीखी होगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, और यहाँ बनानी सीखी होगी लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में। सही है, तो यहाँ इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव अमोनियम NH4 के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर होता है नेगेटिव, और आयन्स के मिलने से जो भी बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसलिए ये वाला जो चीज़ है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हालांकि इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, लेकिन ये कंपाउंड कौन सा है? आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बात याद रखिए, 100% है, उसमें बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट। कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। सही है, बस ये बात आपने याद रखनी है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।